क्वीन यानी कि कंगना रनौत 23 मार्च 1987 को जन्मी एक इंडियन एक्ट्रेस जिन्होंने अपने दम पर अपना करियर बनाया और बनी बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन में से एक। कंगना रनौत ने अपनी अदाकारी के दम पर 3 नेशनल अवार्ड और 4 कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी गैंगस्टर जो कि एक थ्रिलर फिल्म थी। इसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। कंगना को बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में पुअर कमांड है। कंगना और ऋतिक रोशन के साथ अपने अफेयर के लिए भी काफी चर्चा में रही। इसके बाद उन्होंने ऋतिक रोशन पर मानहानि का केस ठोक दिया, लेकिन केस में कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण केस क्लोज हो गया। कंगना रनौत को मोस्ट अट्रैक्टिव और स्टाइलिश पर्सन इन इंडिया की लिस्ट में भी शामिल किया गया। हाल ही में कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म से झांसी की रानी को ट्रिब्यूट देती नजर आएगी। मूवी का नाम है मणिकर्णिका। इस फिल्म में वो रानी लक्ष्मी बाई का किरदार निभाती नजर आ रही है। कंगना ने क्वीन मूवी में बिना मेकअप के अपनी अदाकारी से काफी तारीफें बटोरी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्वीन को योद्धा के रूप में कितनी सफलता मिलती है। थैंक यू।